लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली जो से हैं नोटिफिकेशन रेसिपीज के मिलते रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो सर्दी हो गई है और आज कुछ मज़े का मतलब खाने को शाम में दिल कर रहा था, तो हम लोगों ने मम्मा से रिक्वेस्ट की कि मम्मा आप हमें कोई हल्की फुल्की चीज़ बना दें। तो फिर मम्मा ने कहा क्यों ना कि बच्चों को मैं आज बर्गर बना दूँ। तो आज हम लोग जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन एग बर्गर की रेसिपी। चिकन यहाँ पे ऑलरेडी मम्मा ने तैयार कर लिया है, ये देखिए गर्मा गर्म चिकन धुआं निकल रहा है और इसको मम्मा ने तैयार कर लिया है। अब हम लोगों ने सोचा कि जहाँ हम लोग आप लोगों के साथ अपनी बाकी भी वीडियोस शेयर करते हैं खाने पीने की, ये इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं और अपनी जो शाम की रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं कि जो चिकन और एग बर्गर वो बना रहे हैं ये किस तरह तैयार किया है चिकन इन्होंने, और इसके अलावा हम लोग कैसे करेंगे। आपने खुद तैयार किया, आप खुद बताओ ना। तो मैं बताऊँ? हाँ, अच्छा, खुद तैयार किया। तो मैंने ये चिकन लिया है, इसको पहले बॉयल मतलब हम लोगों ने पकने के रख दिया था, नमक मिर्च डाली हम लोगों ने सिंपली, और इसके अंदर उसको बाद जब ठंडा कर लिया तो उसको रेशा रेशा कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है बंद गोभी है, शिमला मिर्च है वो शामिल किया है। अगर चाहें तो अपने टेस्ट के लिए आप कोई सॉस वगैरह शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी चिकन की रेसिपी। अब यहाँ पर बर्गर मम्मा उठा के ले गए हैं, उनको सेक लगवाने के लिए मुझे पता भी चला बातों बातों में। और अंडा रखा हुआ है, अंडे को हम लोगों ने बीट करने के बाद अंडे को वजह से काला काला सा नजर आ रहा होगा, ये काला काला सा काली मिर्च है और हमने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि फ्लेवर आ जाए। हाँ, फ्लेवर के लिए हम लोगों ने ये काला काला सा नमक डाला है और सॉरी काली मिर्च डाली और नमक डाला है, इसको अच्छे से बीट कर लेना है। और उसके बाद हम लोगों ने जो सिंपली बहुत ही क्विक बनने वाले ये जो सी बर्गर हैं इनको हम तैयार कर रहे हैं। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, मम्मी भी दिखा देते हैं बर्गर कैसे गर्म करें, सबको गर्म करने आते हैं लेकिन फिर से हम लोग दोबारा आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, अब बर्गर को भी जो है वो सेक लगवाया जा रहा है तवे पर, हल्का सा घी लगा के हम लोगों ने इनको सेक लगवाना है। और उसके बाद बहुत सिंपल है, चिकन हम लोगों ने तैयार कर लिया है, 2 से 4 मिनट के अंदर जो है ये बर्गर है बन जाएगा और अपने बच्चों को दें और इन्जॉय करें। और सर्दियों का बताएं मुझे कि आजकल सर्दियों में आप लोगों की क्या रूटीन चल रही है, क्या आप लोग बना रहे हैं खा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कुछ मतलब एक मतलब बनाए लड्डू बनाए थे और भी कुछ ममन चीज़ें बनाई सर्दियों के हवाले से, और मेवे वगैरह तैयार कर रही हैं और आप सूप बन रहा है, डेफिनेटली सूप के बगैर तो गुजारा नहीं है सर्दियों में, गाजर का हलवा है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो उसे खाने को वो दिल करता है सर्दियों में, तो लाइट लाइट सी, बहुत ज़्यादा भी हैवी नहीं खाया जाता क्योंकि वो तो दिन भी छोटे होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी जो सी है बर्गर तैयार कर रही हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बच्ची ने बता ही दिया आपको सब कुछ कि कैसे बनाया है इसने, ये गर्म बहुत है। चम्मच रख ले, चम्मच नहीं ये चिमटे के साथ रख ले, ये भी हमारा चम्मच ही है, बहुत गर्म है, गर्म मज़े के लिए है, वो साथ चाय हो ना मज़ा आ जाए। चाय भी है, कोक नहीं? नहीं, कोक भी ठंडी ठंडी आगे मैं नहा के हटी हूँ, सर्दी ना लग जाए मुझे। शादी? हाँ जी, मैं तो कह रही चाय पी, चाय भी पी लें आप जनाब, चाय भी पी लें। आपका क्या रहता है, जो आपको कहे वैसे ही कर लेंगे, चाय का कहेंगे चाय बना लेते हैं, कोक का कहेंगे तो कोक को पी लेंगे। वो ठंडी ठंडी फ्रिज की ना मेरा दिल नहीं कर रहा पी पी। चलें ठीक हो गया, चले इसी तरह बाकी सब पे भी हम लोग मतलब लगा लेते हैं। मैं लगा खुला रही हूँ, कंजूसी से नहीं लगा रही मैं, बाजार वाले तो कुछ भी नहीं लगाते इतना, वो मतलब फिर वो हाइजीनिक भी नहीं होता और फिर मतलब ज्यादातर तो उन्होंने बंद गोभियां शोभियां डाली होती हैं अंदर, मतलब अगर चिकन के नाम पे भी हो ना तो वो चिकन खास कोई नहीं, तो फिर बंद गोभी ठुसी होती है अंदर बार बार। नहीं मैंने तो चिकन खुला डाला, हम लोग यहाँ पे चिकन और मंगवाते हैं होते हैं वो चिकन के ही हैं, पैसे उन्होंने चिकन के लिए नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा सीरियसली लास्ट टाइम जब मैंने उनको ऑर्डर किया था 3-4 दिन पहले लेकर आए थे, तो मतलब वो इतनी ज़्यादा बंद गोभी से डाली है मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया, मैंने कहा दफ़ा आप दोबारा मंगवानी ही नहीं है उनसे, मतलब चिकन के नाम पे पैसे लेके वो इतनी ज़्यादा बंद गोभी डाल देते हैं ना, अंदर से जीप से भी फील होना शुरू हो जाता है। क्या ख्याल है, सही हो गए सारे एक जैसे? हाँ ठीक हो, चलिए ठीक है फिर, अब ना अंडा फ्री करते हैं, वो लगाते हैं। ठीक है, ज़िगज़ैग में डालते बल्कि आप नहीं सही है, फटाफट नहीं सही है, ये भी यार वो भी सही रहना था यार, ये भी सही है, सब कुछ सही है, बस कर दो खाने ही है,
केचप दे आए ना, मुंह में जायका तो आए चटनी का। यम्मी। ये लो व्यूअर, मम्मा ने जो है वो एग भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है, तो फ्लफी फ्लफी से जो है एग है वो फ्राई हो जाएगा और बस फिर डन हो जाएंगे हमारे बर्गर। बहुत ही झटपट बन गए हैं, तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे आपको बनाने में सब कुछ अगर तैयार हो। चिकन वगैरह बना हो तो फिर टाइम नहीं लगेगा, जस्ट आप लोगों ने गर्मा गर्म चिकन को रखना है, अंडा फ्राई करना है, केचप लगानी है और मज़े करने हैं। बना के रख लेना बस, बच्चों को मेहमानों को जब बच्चे के दिल करे तो सर्दी है ना, वो खा लेना। तो ये बाकी है, दूसरा अंडा भी डाल दिया, मतलब जितने जितने बर्गर सब में पूरा पूरा अंडा डालना है, तो इसी तरह बाकी भी जो से हम लोग हैं अंडे वो भी फ्राई कर देते हैं। ये तो व्यूअर्स अब जो से एग भी वो फ्राई करके रख दी है हम लोगों ने, अब इसके ऊपर हम लोग उसका जो सा सेकेंड पार्ट में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रख दिया है और बर्गर जो तैयार हो गए हैं हमारे। ये गर्मा गर्म जो से हैं चिकन एग बर्गर हो गए हैं तैयार। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नाजुक सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।